ओके तो सलार मूवी में शायद ही आपने ये नोटिस किया होगा, इस सीन में ये कहता है तूने धारा को तो मार दिया लेकिन उसका बेटा अब भी जिंदा है। ये कह के वो ये स्टिक खड़ी करता है लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके हाथ में ब्लड होता है और जब उसने स्टिक को खड़ा किया था देन वो ब्लड उस स्टिक में लग जाती है और ये स्टिक देवा को सिग्निफाई कर रहा था। और फिर देवा को दिखाया जाता है और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो उसके बॉडी में भी खून होता है और ये डिटेल इस मूवी में काफी अमेजिंग थी। वेल नॉट ओनली दैट, शौर्यांगा लोगों के ये जो देवता थे इनके हाथ में ये तलवार को आप नोटिस कर सकते हो एंड शायद आपने नोटिस किया होगा जो शौर्यांगा ट्राइब के लोग हैं उनका ये मेन हथियार तलवार ही है। वेल ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि देवा का ये जो टैटू है ये एक्चुअली क्या है और इसका डीप मीनिंग क्या है। और इस सीन में कहा जाता है कि जो खानसार के डाकू थे वो महमूद गजनी और जेंगिस खान से भी ज्यादा खतरनाक थे। अब ये महमूद गजनी और जेंगिस खान है कौन, इसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा हम इस वीडियो में लेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। So without wasting any more time, let's get bloody straight into it. All right, detail number one. तो यहाँ लिखा हुआ होता है special thanks to you. अब इसको देख के बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया था कि इस मूवी में हमें यश का कैमियो दिखेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मूवी के मेकर्स ने यहाँ पर थैंक्स टू यश लिखा है इसलिए क्योंकि वो यश ही थे जिनका KGF चैप्टर 1 कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी और फिर आया चैप्टर 2 जो कि उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। अब वो सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री के नहीं पूरे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी 2022 में। सो यू नो यश के वजह से ही आज पूरे इंडिया में कन्नड़ा इंडस्ट्री की चर्चा होती है, आई मीन प्रशांत नील होम्बाले फिल्म्स इन सभी की चर्चा होती है। दैट्स वाई मूवी के मेकर्स ने यहाँ पर थैंक्स टू यश लिखा है, अदरवाइज ये यश के कैमियो को सिग्निफाई नहीं कर रहा था। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट। तो इस सीन में ये रुद्रा कहता है मैंने सोचा कि तू फौज लेकर आएगा, तू तो इस चूहे को ले आया। दरअसल ये सिग्निफाई कर रहा था आगे के स्टोरी को क्योंकि इस सीन में जब सभी फौज खड़ी कर रहे थे तब सबको लगा था कि वर्धा भी एक बहुत बड़ी फौज खड़ी करेगा क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा था। एनीवेज तो सबको लगा था कि वो फौज खड़ी करेगा पर वो सिर्फ एक बंदे को ले आता है और ऐसा सेम सीन यहाँ था एंड दिस सीन वॉज फॉर शेडोइंग दिस सीन। डिटेल नंबर 3। तो यहाँ कुछ मिली सेकंड के लिए हमें एक वॉर को दिखाया जाता है बट अगर आप ध्यान से फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे देन यू कैन नोटिस इन लोगों ने कुछ ब्लू कलर का पेंट अपने बॉडी में लगाया था, यानी कि ये लोग शौर्यांगा थे और ये शायद मनार थे, यानी कि यहाँ पर शौर्यांगा वर्सेस मनार चल रहा होता है। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में देवा अपने माँ को बचाने के लिए दीवार पे किल ठोक के दीवार को ब्लॉक कर रहा होता है बट अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे देन यू कैन नोटिस कि ये सेम जुगाड़ देवा ने गेट पे भी अप्लाई किया था, आई मीन गेट को ब्लॉक किया था एंड स्टार्टिंग में बताया नहीं गया कि क्यों ये लोग देवा के माँ के पीछे पड़े थे। वेल एक्चुअली इस सीन में हमें पता चलता है कि धारा देवा का बाप था तो ऑब्वियसली देवा की माँ धारा की वाइफ थी एंड इन लोगों ने धारा को मार दिया था, सो दैट्स वाई ये लोग देवा की माँ आई मीन धारा के वाइफ को मारना चाहते थे। एंड गाइस शायद आपने नोटिस किया होगा यहाँ हमें सस्ता सा अमित शाह भी देखने को मिलता है। ऑल राइट, तो इस सीन में प्रभास यानी की देवा और उसकी माँ आसाम के तिनसुकिया में होते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा कोल माइनिंग होता है जहाँ ये देवा काम करता है। वेल मैं आपको बता दूँ इन रियल लाइफ हमारे आसाम का जो तिनसुकिया है वो कोल माइनिंग के वजह से ही फेमस है, दैट्स वाई मूवी मेकर्स ने तिनसुकिया को दिखाया बिकॉज इट्स फेमस फॉर कोल माइनिंग। एनीवेज और अब देखो बकचोदी, यहाँ कहा जाता है उसे आसाम के तिनसुकिया गांव में दिखा गया था। उसे आसाम के तिनसुकिया गांव में देखा गया है सर। वेल मैं आपको बता दूँ तिनसुकिया कोई गांव नहीं है यार, इट्स अ बिग प्लेस, ये एक बहुत बड़ी जगह है, ये एक जिला है, जिला आई मीन डिस्ट्रिक्ट, ये गांव नहीं एक डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोई भी असमीज लैंग्वेज नहीं बोलता है जबकि एक दो लोगों को बोलते हुए दिखाना चाहिए था। और भाई ये आसाम में क्या फेस्टिवल हो रहा है भगवान ही जाने क्योंकि ऐसा ड्रैगन वाला फेस्टिवल आसाम में कभी नहीं होता। आसाम में भावना बिहू ये सब होता है, ऐसा ड्रैगन वाला फेस्टिवल तो शायद चाइना में होता है, पता नहीं प्रशांत सर ने क्या ही सोच के ये सब दिखाया है। वेल नॉट ओनली दैट, यहाँ दिखाया गया है ये जो जगह है ये बुधेराबाद है जो कि आसाम में है। वेल मैं आपको बता दूँ इन रियल लाइफ बुधेराबाद नाम का कोई भी जगह आसाम में है ही नहीं। आप बोलोगे तुझे कैसे पता, क्योंकि मैं आसाम से हूँ और मेरे को आसाम का कोना कोना पता है, पर ये बुधेराबाद ऐसा कोई भी जगह आसाम में नहीं है मेरी जान, अदरवाइज आप गूगल करके भी देख सकते हो एंड यू विल गेट नथिंग। पर कुछ डिटेल काफी सही है जैसे कि नेक्स्ट डिटेल, डिटेल नंबर 6। अब अगर ये जगह आसाम है तो ये स्कूल भी आसाम में ही होगी, दैट्स वाई स्कूल में आप आसाम के मैप को नोटिस कर सकते हो जो कुछ ऐसा दिखता है और ये डिटेल काफी सही है। डिटेल नंबर 7। तो यहाँ जब प्रभास यानी की देवा घर लेट आता है तब
वो अपने साथ इस चीज को ला रहा होता है और ये शायद ट्रक का वो पार्ट है जिसमें दो पहिए लगते हैं। एनीवेज तो इस चीज को प्रभास यान की देवा ने अकेले उठाया था और यहाँ इन तीन लोगों ने मिलके उठाया था, यानि कि ये चीज बहुत भारी है और इसको देवा ने अकेले उठाया था, तो ये एक्चुअली देवा के पावर को सिग्निफाई कर रहा था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में ये कहता है 7 सालों से मैं सिर्फ उसका इंतजार कर रहा हूँ, 7 साल, जो कि सही है क्योंकि ये घटना 2010 में हुआ था और यहाँ का टाइमलाइन 2017 है, तो हुआ ना 7 साल। एंड 7, एंड द मैसेज इज क्लियर, थाला फॉर ए रीजन। एनीवेज तो ये एक्चुअली डिटेल नहीं था, डिटेल ये है कि यहाँ पर देवा का सिर्फ 35% ही फेस दिखाया जाता है, लेकिन फिर इस सीन में देवा का 65% फेस दिखाया जाता है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमें देवा का 100% फेस दिखता है। आप बोलोगे हा ये तो मेरे को पहले से पता है कि ये देवा है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने आपको अभी प्रूफ किया। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में हमारे लेजेंड्स लाइक सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनके बर्थडे को टीचर्स डे मनाया जाता है, और ये भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, बीआर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र नेताजी और ये जवाहरलाल नेहरू, इन लेजेंड्स के फोटो को नोटिस कर सकते हो। बट अगर ये जगह आसाम है तो आसाम के कुछ लेजेंड्स लाइक डॉक्टर भूपेन हजारिका, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा, ज्योति प्रसाद अगरवाला एंड लोकप्रिय गोपीनाथ वरदलई, इनमें से एक या दो का फोटो होना चाहिए था, बिकॉज दे आर लेजेंड्स ऑफ आसाम, और अगर इनका फोटो यहाँ पर होता तो ये एक परफेक्ट डिटेल बन जाता। एनीवेज जो एक्चुअल डिटेल है वो ये है, यहाँ बोर्ड में आप नोटिस कर सकते हो लायन, टाइगर, एलिफेंट, और इन एनिमल्स के बारे में आनंद जी ने सलार के टीजर में कहा था, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। वरना आप खुद ही देखो गाइस, एल के बाद कभी टी नहीं आता और ना ही टी के बाद कभी भी ई आता है, तो ये एक्चुअली प्रशांत सर ने सीधा सीधी टीजर का रेफरेंस दिया था, पर आप में से बहुतों ने शायद इस चीज को मिस कर दिया था। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में जब ये गुंडे मैडम जी को छेड़ रहे थे तब देवा बहुत गुस्सा हो गया था और गुस्से में अपने हाथ का छाप यानी कि स्पॉट यानी कि मतलब निशान जो भी समझो, तो अपने हाथ का छाप इस आयरन के पाइप के ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो इस सीन में बैकग्राउंड में डायनासोर की एक गुर्राने की साउंड आती है, देवा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि देवा एक डायनासोर है, क्योंकि टीजर में उसे डायनासोर कहा गया था और जब उसकी एंट्री हो रही थी तब बैकग्राउंड में डायनासोर की रोर की साउंड चल रही थी और वो साउंड कुछ ऐसा था। There is a... डिटेल नंबर 11, तो इस सीन में जब ये ऑफिसर्स इस कंटेनर को खोलते हैं तब वो इस सील को देखते हैं और सभी डर गए थे एक्सेप्ट इसे छोड़ के, क्योंकि इसे सील के बारे में नहीं पता होता है, दैट्स व्हाई वो नहीं डरा था, और फिर ये उन्हें सील के बारे में बताता है। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में टीचर एक स्टूडेंट को गाना गाने को कहते हैं और बोर्ड पे ये लिखा हुआ होता है, फोर दियाना, और बोर्ड पे ये लिखते हैं, विक्ट्रीज डोंट कम फ्रॉम वॉर्स, दे कम फ्रॉम फॉरगिवनेस, यानी कि जीत लड़ाई यानी कि वॉर से नहीं मिलती, जीत मिलती है तो माफी से, यानी किसी को माफ करके, जो कि काइंड ऑफ सलार पार्ट 2 के स्टोरी को सिग्निफाई कर रहा था, क्योंकि दो टीम के बीच लड़ाई कब शुरू होती है, जब किसी एक टीम ने गलती किया होता है। अब यहाँ दो टीम शौर्यांगा ट्राइब और मन्नार ट्राइब थे और इनके बीच डील हुआ था कि शिवा मन्नार के बाद धारा, जो कि एक शौर्यांगा है, और धारा को शौर्यांगा लोग देवता मानते थे। एनीवेज तो शिवा मन्नार के बाद धारा खानसार के कर्ता यानी राजा बनेंगे, ये डील हुआ था शौर्यांगा और मन्नार के बीच, बट राज मन्नार जो शिवा मन्नार के बेटे थे उनको ये डील हजम नहीं हुआ था, दैट्स वाई इसने शौर्यांगा ट्राइब के लोगों को रात में ही मार दिया था, क्योंकि फिजिकल फाइट में मन्नार कभी भी शौर्यांगा से नहीं जीत सकता, दैट्स वाई इन लोगों ने शौर्यांगा लोगों को रात में ही मार दिया था जब वो लोग सो रहे थे, तो शौर्यांगा लोगों को मार के वो करता बनता है, और ये इसने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी। बट उस फाइट में कुछ शौर्यांगा ट्राइब के बच्चे बच गए थे और उनमें से दो था भार्गव और देवा, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अब हो सकता है पार्ट 2 में वर्धा जो कि एक मन्नार है वो इस मिस्टेक के लिए देवा से माफी मांगता है, देवा जो कि एक शौर्यांगा है एंड देवा इज अ गुड मैन, सो वो वर्धा को माफ कर देता है, और शौर्यांगा के लोगों ने जो कसम खाई थी कि हम सभी मन्नार को जड़ से खत्म कर देंगे, उस चीज को ये लोग ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि मन्नार ने माफी मांग ली है और देवा ने वर्धा को जो वादा दिया था कि तुझे खानसार का कर्ता बनाऊंगा वो पूरा करके आ जाता है, दैट्स वाई बाद में प्रेजेंट टाइमलाइन में वर्धा खानसार का कर्ता होता है, और ये मेरी नहीं लोगों की फैन थ्योरी है, तो ये रॉन्ग भी हो सकता है, तो प्लीज यार डोंट टेक इट सीरियस। डिटेल नंबर 13, तो इस सीन में देवा इसका राइट हैंड तोड़ देता है क्योंकि इसी हाथ से इसने मैडम जी को टच किया था, और फिर अगेन इस सीन में देवा इसका भी राइट हैंड तोड़ देता है क्योंकि इस सीन में इसी हाथ से ये मैडम जी को पकड़ के ले जा रहा होता है,
डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में देवा की माँ मैप देख रही होती है क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना है। बट यू कैन एक्चुअली नोटिस कि वो लोग बहुत सारे जगह से ऑलरेडी भाग चुके हैं, आप ये नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 15। अब लोग खानसार का नाम लेने से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि यहाँ इस सीन में कहा जाता है कि जो खानसार के डाकू थे वो महमूद गजनी और चेंगिस खान से भी ज्यादा खतरनाक थे। अब ये महमूद गजनी और ये चेंगिस खान है कौन? वेल, अगर हम हल्का फुल्का हिस्ट्री देखें, देन महमूद गजनी जाबाज और होशियार मुस्लिम बादशाह था। ये बचपन से ही बहादुर और काबिल थे। एंड मैं आपको बता दूं, ये पहले मुस्लिम बादशाह थे जिन्होंने अपने नाम के आगे सुल्तान लगाया था और फिर ये सुल्तान वाला ट्रेंड शुरू हुआ था। और ये इतना पावरफुल थे कि इनके सल्तनत में अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे मुल्क आते थे। पर अफसोस की बात है कि लोग इनको अब लुटेरा बोलते हैं। और अगर हम चेंगिस खान की बात करें तो चेंगिस खान इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने 10% पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिया था। आई नो आप बोलोगे कि हाँ सिर्फ 10%। वेल, आप गूगल करके देख सकते हो कि 10% पॉपुलेशन कितना होता है। इट्स एक्चुअली 800 मिलियन, यानी कि 80,000 लाख। तो इतने सारे लोगों को इसने मार दिया था क्योंकि ये जिस भी गांव से गुजरता था उस गांव को जला देता था ताकि दुनिया में इसका खौफ बना रहे। आई नो पहले जमाने में पॉपुलेशन काफी लो था, लेकिन जो भी था उसका 10% बहुत ही ज्यादा होगा। लोग दहशत का दूसरा नाम चेंगिस खान कहते थे। और ये इतना जालिम था कि इसने इंसानों के खोपड़ी से एक मीनार बनाने का हुक्म दे दिया था। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मूवी सलार, ये जो खानसार के डाकू थे ये इनसे भी ज्यादा पावरफुल थे। तो इसे आपको हल्का फुल्का अंदाजा लग गया होगा कि खानसार और उसके लोग कितना ज्यादा पावरफुल है। That's why लोग डरते हैं खानसार से। डिटेल नंबर 16। तो इस सीन में जब अंग्रेज इंडिया आ रहे थे, देन वो इंडिया में यहाँ से एंट्री कर रहे थे क्योंकि इन रियल लाइफ अंग्रेज सबसे पहले भारत के सूरत में आए थे और सूरत गुजरात में है और गुजरात इंडिया के मैप में यहाँ है। That's why you can notice अंग्रेजों का शिप गुजरात की तरफ है। एंड ये डिटेल काफी सही है। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में वर्धा कहता है खाने में मिर्ची कम है, देवा नहीं खाएगा। वेल, इस सीन में जब देवा आसाम के तिनसुकिया में होता है और जब वो खाना खा रहा था, देन आप नोटिस कर सकते हो कि उसने बहुत ज्यादा मिर्च पाउडर लिया है, यानी कि यस देवा को तीखा बहुत पसंद है। और यहाँ पर लिखा हुआ होता है 7 days to go, अगेन 7 एंड यू नो द रीजन। और यहाँ पर आनंद जी का जो वॉइस है वो काफी हद तक कमल हसन सर की तरह है। रोज एक मुर्गी चुनता है। और अब देखो मजे की बात, कमल हसन सर की मूवी विक्रम में ये जो किलर था इसका वॉइस काफी हद तक प्रभास की तरह था। प्रभास का जो ओरिजिनल वॉइस है। Please don't take it personally, Mr. Karan. अब ये प्रभास का ही वॉइस है, इसका मेरे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, वरना ये एक अमेजिंग डिटेल हो जाता। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में ये जो नारंग था वो यहाँ वर्धा को कहता है एक काम कर, अपना सर काट के मेरे पैर के नीचे रख दे। लेकिन बाद में इस सीन में देवा ने नारंग का सर उड़ा दिया था, जो कि बाहुबली का रेफरेंस था, मजा कर रहा हूँ। देवा ने नारंग का सर उड़ा दिया था और वो सर देवा के पैरों में जाके गिरती है। तो ये एक्चुअली सीधा सीधी कर्मा को फोरशेडो कर रहा था। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट डिटेल, डिटेल नंबर 19। अब देवा के टैटू के बारे में बात करते हैं। अगर हम ध्यान से इसके क्लियर फोटो को नोटिस करेंगे तो ये एक दानव या डेविल का इमेज है। वेल, कोडेक्स जिगा से एक बुक है जिसे डेविल द्वारा लिखा गया है और इसे डेविल्स बाइबल कहा जाता है। और इस बुक में हमें ऐसे शैतान की पिक्चर देखने को मिलती है, लेकिन इस इमेज को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इसका बॉडी थोड़ा बल्की दिखाया गया है, लाइक प्रभास। हाँ, ये प्रभास के बॉडी के साथ काफी हद तक मैच करता है। और ये जो वेपन है, ये जो हथियार है, इसे वेपन ऑफ लॉर्ड ऑफ डेथ कहा जाता है और इससे शैतान लोगों की आत्मा छीन लेता है। और ये सेम काम देवा कर रहा था। देवा अपने हाथ में कुछ हथियार लेके लोगों की आत्मा छीन लेता है, मार देता है। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पर तो देवा के हाथ में कोई हथियार नहीं है। वेल, यहाँ एक्चुअली देवा इन लोगों को मार नहीं रहा था, इन लोगों को बस टेक डाउन कर रहा था, मतलब इंजर्ड कर रहा था ताकि ये देवा के साथ ना लड़ सके। मेनली ये टैटू काफी कंफ्यूजिंग है। इसका जो ये हथियार है ये लॉर्ड ऑफ डेथ का है और इसका जो सर है वो एक डेविल की तरह है और इसका जो बॉडी है वो एक दानव की तरह है। आई थिंक डायरेक्टर यानी प्रशांत सर ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभास यानी देवा है वो लॉर्ड ऑफ डेथ, डेविल और दानव, ये तीनों ही है। मतलब वो जात पात धर्म नहीं देखता। सामने वाला हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो देवा उसे मौत के घाट पहुंचा देगा। और देवा एक दानव है, इसका हिंट हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर ये लड़की भगवान को कहती है तो हो सके तो कोई दानव को ही भेज दो। एंड देन प्रभास की एंट्री होती है। मेनली सीन में जब देवा ने इस औरत को कहा था कि मेरी आंखों में जो भी दिखे वो बना दो, देन आई थिंक ये औरत उसके आंखों में लॉर्ड ऑफ डेथ, डेविल और दानव, इन तीनों को ही देखा था और इन तीनों को मिक्स करके उसने इस टैटू को बनाया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो प्लीज यार इस चीज के लिए एक लाइक कर देना, प्लीज प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट।
अगर आपको सलार का कोई डिटेल पता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इससे पहले मैंने एनिमल का डिटेल वीडियो अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हो। और आप मेरे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।